मेरा नाम वंदना है, मैं राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ एक हाउसवाइफ से एक जेआरएफ होल्डर तक की, खासकर उन लड़कियों के लिए जो ऐसा सोचती हैं, शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, अब टाइम गया, बहुत लेट हो गई है। तो किसी चीज़ की कोई लेट नहीं होता किसी काम को करने के लिए, बस हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और मन में ऐसा होना चाहिए करना है हमें, फिर सारे काम अपने आप अपने अकॉर्डिंग होने लग जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने अपना स्कूलिंग और अपना ग्रेजुएशन भी से यहीं झुंझुनू से ही किया और अपना पीजी एमसीए, और उसके बाद में मैंने जॉब अपना नोएडा किया। पर इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अनबैलेंस हो गई। मेरी मदर नहीं रही उस टाइम उसमें, उसके वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। फिर उसके बाद में मेरी शादी हो गई, शादी के बाद में थोड़ा नॉर्मल थोड़े टाइम में नॉर्मल फील हुआ तो लगा कि चलो अभी अपने लिए कुछ करते हैं, लेकिन फिर वापस मेरे पर्सनल इश्यूज ऐसे हो गए, फैमिली इशू हो गया कि मेरे फादर इन लोग की तबीयत ठीक नहीं रही, वो उसके कारण फिर मैं वापस फैमिली में बिज़ी हो गई। फिर टाइम निकलता गया, मैं मदरहुड में बिज़ी हो गई। लेकिन ऐसा बोल सकती हूँ कि लास्ट ईयर सितंबर मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। उस टाइम मुझे अभी भी याद है कि मेरी भाभी का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बोला कि मेरी कज़न सिस्टर है वो नेट की तैयारी करने के लिए जयपुर गई है, तो बोले कि आप क्यों नहीं ट्राई करते हो। फिर मैंने बोला यार अभी बहुत लेट हो गया है कि अब मेरा टाइम नहीं है ये सब तैयारी करने का, मैं बच्चा है, फैमिली है, हस्बैंड है, सब मैनेज करना। तो वो बोले कि आपकी इच्छा है तो बच्चे को तो मैं रख लूँगी। फिर मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं एक बार। फिर मैंने बोला कि चलो दिसंबर का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में मैं आती हूँ। उन्होंने बोला नहीं आप अभी आओ और अपने लिए कोचिंग ट्राई करो। फिर मैं वहाँ से आ गई और मेरी कज़न के पास जयपुर चली गई और बच्चे को भाभी के पास छोड़ा। वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, एक दो साल के बच्चे को छोड़ना। मैंने फिर कोचिंग ट्राई किया, मुझे नहीं पसंद आया। फिर जैसे जैसे थोड़ा इधर उधर देखा नेट पे, फिर यूट्यूब पे मैम के वीडियोस मिले वो देखे, देख के मैंने दिसंबर का एग्ज़ाम दिया तो मुझे 40% आए थे, मतलब 20 क्वेश्चन सही हुए थे। रिज़ल्ट देख के मुझे लगा यार इतने से तो नेट होना ही मुश्किल है, जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है। फिर मैंने जैन में सब्सक्रिप्शन ले लिया अनएकेडमी का। फिर मैं मैम से पढ़ने लग गई। फिर उसी टाइम में मुझे एक फ्रेंड मिल गई अपने इन मैम की स्टूडेंट किरण। फिर मैंने उनसे पूछा कि जितना जो पढ़ा है मैम से पढ़ रही हूँ वो इनफ है ना। उनने बोला हाँ आप मैम को मत छोड़ना, जो मैम पढ़ाए वो पढ़ना। फिर मैंने मैम के हर लाइव क्लास देखती थी, स्पेशल क्लास देखती, जो भी टेस्ट सीरीज होते वो देती, मुझे खुद को इम्प्रूवमेंट लगने लग गया अपने आप में। फिर जब जून का मैंने जून तक सब्सक्रिप्शन लिया था लेकिन एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गई, फिर मैंने सब्सक्रिप्शन भी अपना बढ़ा दिया, आगे का ले लिया। और फिर मैम के जो टेस्ट होते वो देती, क्लासेस वापस लेने लग गई, बोनंजा हुए वो दिए और मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा। मुझे लग रहा था कि हाँ अगर नेट तो पक्का हो जाएगा, जेआरएफ अगर रह भी गया तो थोड़ा नज़दीक से ही रहेगा, क्योंकि मैं सेटिस्फाई थी अपनी स्टडी से और मुझे और टाइम मिल गया था। फिर एग्ज़ाम हो गया और एग्ज़ाम के बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ रिज़ल्ट देख के, क्योंकि मुझे मैंने जब आंसर की आई थी तो मुझे 74% थे। फिर जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो हाँ एक क्वेश्चन का थोड़ा हो गया लेकिन 72 नंबर आए और मैं सेटिस्फाई थी, क्योंकि मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था। मैं सीरियसली बताऊँ तो ये फर्स्ट ही था, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैं इतना कुछ कर ही नहीं पाई थी। और मैं तो मैम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे सही टाइम पर सही गाइडेंस मिल गया और सही पढ़ाने वाला मिल गया। तो मुझे ऐसा नहीं है कि एक साल तैयारी की, दो साल तैयारी की, मेरा मतलब मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा जल्दी हो गया। और अभी लेट्स सी आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं पीएसडी का कुछ। पर मेरा जेआरएफ में मैम का बहुत सपोर्ट है, थैंक यू मैम।